हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मसूमा और मसूमा के व्लॉग में आपको खुशामदीद। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं लगवाऊंगी जी अपनी सिस्टर से मेहंदी, और आप मेहंदी का डिज़ाइन भी देख लीजिएगा। तो वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाते हैं, आप अभी देख लीजिएगा कि वो कैसी मेहंदी लगाते हैं। फिर आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि ये मेहंदी अच्छी है कि नहीं अच्छी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेरी खाला ने ना भाई से ना, हम उनको मौसा बोलते हैं, आप सारे खाला बोलते होंगे शायद, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं जी अपनी खाला को मौसो, ठीक है, शुरू से हम मौसो ही बोलते हैं। अच्छा जी, उन्होंने आना है जी कोई 11-12 को बाहर से आना, उन्होंने नहीं 13 को आना है उन्होंने बाहर से, तो सऊदी अरब से उन्होंने आना है पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान वो सऊदी अरब में लेने ना, तो इसलिए 4 महीनों बाद आने लगे हैं। वैसे वो बहुत दफ़ा जा चुके हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत दफ़ा उम्रा कर लिया, 4-5 दफ़ा उन्होंने उम्रा कर लिया माशाल्लाह। और अभी मैं उनसे मिलने जाऊँगी जब एयरपोर्ट का, तो पता नहीं बहुत ज़्यादा सामान आएगा तो साथ, वो भी इतने ज़्यादा माशाल्लाह, तो इसलिए पक्का पता नहीं कि मैं साथ जाती हूँ एयरपोर्ट में कि नहीं, ये मैं पक्का नहीं बता सकती आपको। तो जब वो आएंगी फिर उनसे मिलेंगे, मैं सारा व्लॉग भी अपना सारा शूट करूँगी। उनके जो 2 बच्ची हैं, एक साथ है ना, वो तो पूरे यूट्यूब पे छाया हुआ है, इतना प्यारा माशाल्लाह, इतना प्यारा। उनके 2 ही बच्चे हैं, एक हुरम है और एक साथ है, बहुत प्यारा है, दोनों बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और उन्होंने फिर आना है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपने मेरे वो वाले व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने हैं, मैं हर रोज़ डेली का व्लॉग बनाऊँगी वो वाला, क्योंकि वो व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, तो वो आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जो साथ का मज़ा आता है ना, वो तो किसी और का आ ही नहीं सकता। उधर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चे भी हैं और भी काफ़ी हैं, सबको अंदर लाऊंगी और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इंतहाई मज़ा आने वाला है। मेरे तो ये दिन ही नहीं गुजरे, आज कोई 4-5 तारीख है, दिन डेट है वाला 4 लग रही है 4-5, हाँ यही है शायद। अच्छा जी, तो फिर जाएंगे तो फिर बहुत मज़ा आएगा। मेरे तो ये दिन ही नहीं गुजरे, मैं तो यही सोच रही हूँ कब ये दिन गुजरेंगे, कब गुजरेंगे, कब वो दिन आएगा जब हम उधर जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। पिछली छुट्टियों में तो कोई मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, 1 महीना हो गया है हमें छुट्टियाँ हुई हैं और बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आज अभी नेक्स्ट महीने की आज 4 डेट है, तो आज भी अभी तक तो कोई मज़ा नहीं। मेरी दूसरी खाला, उन्होंने भी आना है इधर, तो फिर हम सारे उधर जाएँगे अपने दूसरी खाला को मिलने। अभी मेरी जो अभी इधर वाली खाला आने लगी है ना, इधर वाली नहीं, वैसे वो और शहर में रहती हैं, वो इधर आने लगी हैं, तो वो वैसे बाहर से नहीं आ रही, वो इधर ही रहती है, पाकिस्तान में रहती हैं। तो वो आएंगे हमारे पास छुट्टियाँ गुजारने, तो बहुत तब भी बहुत मज़ा आएगा। मैं डेली का व्लॉग बनाऊंगी, उनके भी 2 बच्चे हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, वैसे वो यूट्यूब पर नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मैंने आपको दिखाई भी हुए हैं। एक का नाम अहमद है और एक का नाम फरियाल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। और मैं उनके साथ भी आपको मिलवाऊंगी और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपने मेरे वो डेली के व्लॉग देखने हैं, ठीक है, मैं आपको आज यही बोलूँगी। रवि जी, मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ, मौसम का नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, उठी मैं थी कोई 3-4 बजे उठी थी मैं, क्योंकि सारी रात मैं नहीं सोई क्योंकि बारिश होती रही है, तो फिर क्या ही सोना। वैसे गर्मी नहीं लगी लेकिन बारिश होती रही थी, अंदर तो गुम्मा ही थे ना, अंदर तो गुम्मा हो जाता, जब बाहर बारिश हो तो अंदर गुम्मा होता है, जब बाहर बारिश हो रही हो, ठीक है, तो इसीलिए सारी रात सो ही नहीं पाए, ऐसे बातें करते वगैरह रात गुजर गई। फिर उठ के नमाज़ पढ़ी, तो फिर हम दुआ वगैरह करके फिर हम सो गए थे। तो अभी मैं उठी हूँ, वैसे मामा वगैरह बहुत देर की उठ गई हुए थे लेकिन मैं अभी उठी हूँ। उठ के मैंने नाश्ता किया है और मैंने उठ से सारे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, नाश्ता मैंने वैसे खा लिया है। नाश्ते में मैंने खाया था मसाले वाला पराठा, बहुत ही मज़े का पराठा होता है वो, जब उसके अंदर मसाला डाल दें तो साथ सालन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, साथ में लस्सी थी और बहुत ही मज़ा आया था मुझे खाने का, कोई दादर मिर्च थी और नमक था, वो छिड़की थी ऊपर और बहुत मज़ा आया था सारी रोटी के ऊपर जब पेरा बन रहा था, बहुत मज़े की थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, मेरी मम्मा ने पता नहीं रेसिपी डाली है कि नहीं, बोलूँगी पूछूँगी, ठीक है। और अभी जी देखते हैं कि आगे क्या करना मैंने। सो गाइस, उसके बाद रात हो चुकी थी और मैंने कुछ भी नहीं किया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि रात को बारिश हुई थी और आज का मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन नहीं जी उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और पसीने इतना छूट रहा था, तो कुछ समझ आता नहीं था कि मैं क्या करूं। और उसके बाद बस लेटिंग उठ रही, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो फिर मैं क्या ही बनाती व्लॉग अपना। अभी जी मेरी मामा ने बनाई है मटन बिरयानी, नहीं बीफ बिरयानी, और बहुत ही मज़े की लग रही है मुझे शक्ल से, अब मैं इसको खाती हूँ, देखिए मैं आपको शक्ल दिखा दूँ कितने मज़े की है। और मेरा भाई खाना स्टार्ट हो गया, ये देखें, और अब मैं भी खाने लगी हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। सो गाइस, अब हम बनाते हैं जी अपनी प्लेट, मैं प्लेट ले आई हूँ एक, और इतने मैंने वैसे खाने नहीं क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं लगी हुई, बस पहले लगी हुई थी, अब नहीं लगी लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं इस तरह से, ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी प्लेट बनेगी, देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक है, लेकिन मेरी मम्मा ने रेसिपी नहीं बनाई, वो पहले बन चुकी हुई है, काफ़ी दफ़ा बन चुकी हुई है, क्योंकि हम बिरयानी बहुत ज़्यादा खाते हैं,
मेरे भाई को बहुत पसंद है और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी, इसलिए मेरा भाई बोल रहा है साथ रहता भी बहुत पसंद है हाँ साथ में रखे थे मैं खीरे वो खाओ चले जी बस इतने सी। और साथ में हम लेते हैं जी कुछ खीरे, मामा जी से खीरे रखे हो, मामा मामा जी खीरे रखे हो, चल 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 खीरे रखे हो, नींबू भी चल। ये देखें जी मेरी प्लेट जो है वो बहुत ही मज़ेदार की खा के दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखिए सबसे पहले हम निचोड़ते हैं जी नींबू, जो कि इस तरह से रखना है, नींबू को सही तरह अंदर रख उसको निचोड़ो, आए हाय हाय चस्के नींबू के लेके चल चल इधर लाओ मेरे। अब हम जिसको खाते हैं जो मज़ा आता है ना सारा नींबू का, वो और चीज़ के साथ नहीं आता। हैंड के साथ मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे हैंड के साथ खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सुन्नत भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सो गाइस आज के व्लॉग में मैं लगवाऊंगी जी अपनी सिस्टर से मेहंदी, और आप मेहंदी का डिज़ाइन भी देख लीजिएगा, तो वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाते हैं, आप अभी देख लीजिएगा कि वो कैसी मेहंदी लगाते हैं, फिर आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि ये मेहंदी अच्छी है कि नहीं अच्छी, ठीक है। और अभी जी साथ में आने लगी मुझे लाइव, मैं आपको पहले बता दूँगी मैं लाइव भी आती हूँ कभी कभी, तो आप मेरी लाइव भी ज़रूर आया करें, ठीक है। और अभी जी मेहंदी लगवाती हैं और साथ साथ आते हैं लाइव। सो गाइस जी देखिए मैंने सोचा मैं आपको मौसम दिखा दूँ, मैं खिड़की से आपको आज का मौसम दिखा रही हूँ कि मौसम बिल्कुल भी नहीं था अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमारा एक मिनट भी पसीना नहीं सूखा। तो देखें अभी रात हो चुकी है और इस टाइम मैंने किया अपने ब्लॉग का स्टार्ट, और आप सोच रहे होंगे हैं इतनी गंदी है ग्रिल, तो आपको बता दूँ हमने करवाई थी सीलिंग, तो इसलिए उसके जो निशान है ना वो इस पर पड़ गए थे, तो बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा ट्राई हमारी थी लेकिन ये उतरते ही नहीं है, तो हमने सीलिंग करवाई थी ये तो आपको पता ही होगा शायद। हाँ जी मैंने होम टूर में आपको बताया था और दिखाई भी थी, ठीक है। और अभी जी मैंने सोचा मैं आपको पहले मौसम दिखा दूँ, और अभी जी हम लगवाते हैं मेहंदी और साथ साथ हैं लाइव। देखिए मैं अभी बैठ गई हूँ, पहले मेरी लाइट ही लगी थी थोड़ी देर के लिए, तो मैं बहुत परेशान हो गई, हाय अल्लाह मैंने तो ब्लॉग भी अपना स्टार्ट कर दिया तो मैं क्या करूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत शुक्र है कि लाइट आ चुकी है। मैंने मेहंदी इस टाइम क्यों लगवानी है, मेरा मकसद क्यों है इस टाइम मेहंदी लगवाने का मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने कल जाना है शादी पर, तो फिर कल टाइम नहीं होता नहाना धोना सारा कुछ करना, तो फिर कल टाइम नहीं मिलना, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी लगवा लेती हूँ, और नींद तो मुझे आती नहीं है तो इसीलिए, क्योंकि मैंने दोपहर सारी सो के गुजारी थी इसीलिए। तो अभी हम अपनी लाइव को स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरह मैंने इसको लगाया है, ये वाला मेरा कैमरा है, साथ मैंने नीचे स्टैंड लगाया हुआ ट्राइपॉड, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। शायद मेरी आपसे बात ना हो, मैं इनसे बात करती रहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग से मेरे साथ बातें करते हैं इसलिए। सो गाइस मैं आपको भी बता दूं कि मेरा एक खुद का चैनल है मसूमा ब्लॉग, आप उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको मैं बता दूं कि मैं लाइव आई हूँ, मैं इसलिए इनको बोल रही हूँ क्योंकि मैं साथ साथ ब्लॉग भी बनवा रही हूँ अपनी मामा से इसलिए। तो जी मेरे चैनल को आपको ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें, मेरे मामा का भी एक चैनल है जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। और अभी जी देखते हैं कौन कौन आता है मेरी लाइव में, तो हम अपनी मेहंदी को स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखिए मैं मेहंदी लगवाने मैंने स्टार्ट कर दी है इस तरह की कुछ लगा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि कौन सा डिज़ाइन है, ये मैं अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही हूँ, इसके अपने ब्लॉग भी बना रही हूँ साथ साथ, ठीक है सही नहीं बोलते गाइस। ये देखें जो मेरी मेहंदी है वो बिल्कुल लग चुकी है, देखें कितनी प्यारी मेरी मेहंदी लग गई है, और मुझे भूल गया था मैंने आपसे बात करनी है, इनसे मैं बहुत देर की बात कर रही हूँ इसलिए, कभी कभी मैं आपसे बात करती हूँ अंदर, जब भी मैंने लाइव आना होता है मैं यही बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, सपोर्ट की मैं आपको भी बता दूँ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। गाइस ये देखिए तूफानी बारिश आ रही है और मेरी लाइफ इस टाइम बंद हो चुकी है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है, और हाँ मेरे चार पे भी आके बैठ चुकी है, बहुत मज़ा आ रहा है, आपको सही नज़र नहीं आ रही बारिश जो हम देख रहे हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही, ये देखिए आपको बादल तो गरजते हुए नज़र आ रहे होंगे है ना, हाय बहुत मज़ा आ रहा है वैसे। नहीं
सारा कुछ खा लिया था। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था बिरयानी खाने का। मैंने पूरी प्लेट खा ली थी, वो ज़्यादा मैंने बनाई थी। उसके बाद कुछ भी नहीं किया, रात हो गई है। मैं आपको इधर से दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये देखें, ये जो खिड़की है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दिया हुआ है कि हमारी सिली हुई थी, तो उसके जो निशान है वो इधर पड़ गया हुआ है और ये नहीं उतरती। ये मैं इधर से जब भी दिखाऊँ तो आप समझ जाएँ, ठीक है। और अभी इसके साथ ही आपने ब्लॉग को कर दी एंड। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और अच्छे से कमेंट करना है, इससे हमारी हौसला ज़रूरी होती है। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।